हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है मार्च के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर एरीज। Nine of Swords, Queen of Pentacles in reverse. The Devil, Ten of Wands. Knight of Cups, Aries, Ten of Wands के साथ लग रहा है किसी चीज का बोझ धोते धोते तंग आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से लिमिट तक आ गए हैं। अब आपकी और बर्दाश्त क्षमता नहीं है या पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। और यहाँ पे द डेविल के साथ अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आ सकते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको इस सिचुएशन से किसी तरीके से छुटकारा मिले। यहां देख रहे हैं आप नाइट ऑफ कप्स के साथ आप जिसका वेट कर रहे हैं वो पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएगा। ओके, क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप अकेले हैं, आपको कोई छोड़ गया है या आप किसी को छोड़ आए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाइन ऑफ सॉर्ड्स किस वजह से है यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। और सबसे बुरी बात यह है कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स कह के समझा नहीं पा रहे, कोई आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहा। और डेविल के साथ आप अकेले दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या प्लान्स बना रहे हैं। और ये सब आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। ऐसा लग रहा है ये जो थॉट्स आप अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, सारे नेगेटिव थॉट्स, ये बाहर से इंस्पायर्ड है एरीज, ये आपके अपने थॉट्स नहीं है। इस वक्त जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, आपके दिमाग में है, ये आप दूसरों को देखकर या दूसरों से कुछ सुनकर सीख रहे हैं इन चीजों को। ओके, इस समय जरूरी है कि आप अपने कान बंद कर लें और हो सके तो आंख भी बंद कर लें। किसी चीज को असर मत करने दीजिए अपने ऊपर। एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जो आपके थॉट्स हैं, एक्चुअली में आपके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप इमेजिन कर रहे हैं। जो भी चीज आपको इस समय बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल लग रही है वो वहां पे है ही नहीं, पर आप टेन ऑफ वॉन्ड्स फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप थक चुके हैं सोच सोच कर। ये जो आपका खाली दिमाग है फिलहाल ये शैतान का घर बन गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते या आप इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं करने को और आप एक पॉइंट पे सोचे जा रहे हैं। और इसके वजह से ये वॉन्ट्स आपको फील हो रहा है, ये बोझ आपको फील हो रहा है, जबकि ऐसा कोई बोझ आपके ऊपर है ही नहीं अगर आप रियलिटी को फेस करें तो। और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एरीज, आपको पता होगा ये फैक्ट, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स परफेक्ट है अपने आप में एंड स्टेबल है फाइनेंशियली,
इंडिपेंडेंट है, मेच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है और लॉयल है, पर फिलहाल आपका ऐसा लग रहा है कि आप इसमें से कुछ भी नहीं है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो फिलहाल ये रिवर्स है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है नहीं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही हैं, या आपके थॉट्स हैं जो आपको ये फील करवा रहे हैं कि आप नहीं हैं, तो यहाँ पे आपके लिए अपना सेल्फ वर्थ जानना जरूरी है, ये सोचना आपके लिए जरूरी है कि आप इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहते भी हैं कि नहीं, और आगे आप इस पर्सन के साथ कैरी ऑन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स का मतलब है कि ये पर्सन आपके पास आएगा आज नहीं तो कल, ये आपके पास फिर से अपने फ्रेंडशिप का ऑफर या अपने लव का ऑफर लेके आएगा, एंड तब आपको डिसाइड करना होगा. ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Three of Cups. Princess of Cups. Hierophant. King of Cups. Two of Wands. तो हमारे पास थ्री ऑफ कप्स है. थ्री ऑफ कप्स के साथ ये टाइम है सेलिब्रेट करने का एरीज. ओके, इस वीक में आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, और इस नाइन ऑफ सॉर्ड्स को भूल जाइए क्योंकि ये रियल नहीं है. आप किसी अनरियल चीज को क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, और टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्रिएट करके आप परेशान हो रहे हैं, आप इसे कैरी कर रहे हैं बिना वजह, क्योंकि जो आपका है वो आप तक ही आना है. इसीलिए सारी टेंशन को आप कारपेट के नीचे डालिए और एंजॉय कीजिए अपना प्रेजेंट मोमेंट. और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स है. प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ आप स्टार है, जहां भी आप जाएंगे आप दूसरों की नजरों को कैच करेंगे, आप परफेक्ट हैं और आपको बहुत सारा अटेंशन मिलेगा, पर आपको इस अटेंशन को पाने के लिए कम से कम सोशलाइज करना पड़ेगा, नए लोगों को मिलना पड़ेगा, यानी कि चेंज को एक्सेप्ट करना होगा. ओके, एंड यूनिवर्स जो भी आपकी तरफ भेज रहा है उस चीज को एक बार कंसीडर कीजिए, क्योंकि द डेविल नाइन ऑफ सोर्ड्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स की वजह से आप बाकी सारी चीजों को दरकिनार कर रहे हैं और सिर्फ उन चीजों को फोकस कर रहे हैं जो कि किसी पर्पज की ही नहीं है. द हायरोफेंट के साथ आप स्मार्ट हैं, एरीज आप गाइडेड हैं, आपके आपके लिए आपका हायर सेल्फ है. ओके, यूनिवर्स आपको देख रहा है एंड वो आपकी लाइफ को अपने आप अलाइन करेगा. बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए. यूनिवर्स बस चाहता है फिलहाल कि आप खुश रहें. किंग ऑफ कप्स के साथ अगेन जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, कमिटेड हो, या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं एरीज, पर आपको यहां जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस रखने की, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है एंड आपको नहीं पता कि आप इस सिचुएशन में करें क्या. तो इसलिए यूनिवर्स आपको ये मौका दे रहा है कि आप क्लियरली सोच लें एंड आपको किसी चीज को चेव करने की जरूरत नहीं है, किसी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये पर्सन आपके पास अपना ऑफर लेके खुद ब खुद आएगा और आपके पास चॉइस होगी. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है.
मेडिसिन वुमन, तो आपको जरूरत है हील करने की. आप अपने आप को हील कर सकते हैं, इस बात को आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि डेविल ने आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है. और यहाँ डेविल से मेरा मतलब है कि नेगेटिव थॉट्स, एंड आपको जरूरत है किसी ऐसे की जो आप पे ट्रस्ट करता हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, और जो हीलिंग हो, जिसकी बातें आपको हिम्मत देती हो. तो ये है रीडिंग मार्च के थर्ड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.